फिराद हकीम के दूसरी बार मेयर बनने पर उनके प्रशंसकों में खुशी की लहर है। और आज जब केएमसी मुख्यालय में फिराद हकीम शपथ ले रहे थे तो बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन लोगों ने हालात बंगाल न्यूज टेक इंडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा और किस तरह से अपनी खुशी का इजहार किया है, आइए देखते हैं। देखिए, हम लोगों को बहुत खुशी है कि जनाब फिराद हकीम बोबीदा फिर हम लोगों के मेयर दोबारा से हुए हैं और इससे ज्यादा और खुशी क्या हो सकती है। बोबीदा फिराद हकीमी, जनाब फिराद हकीमी मतलब मेयर के लिए पहली चॉइस थी, लेकिन लोग क्या क्या बोलते हैं उस पर नज़र देना ठीक नहीं है। जो हमारी दीदी चाहेंगी वही होगा। फिराद हकीम खिदरपुर में तो काम करते ही करते हैं हमारे बोबीदा, लेकिन पूरे बंगाल को उन्होंने सजाया है। तो फिर मेयर का तो चॉइस इसीलिए पहला चॉइस उनका है कि उन्होंने बंगाल में जिस तरह काम किया है वो समझिए बेमिसाल काम है। दीदी जो फैसला करेगी अच्छा फैसला करेगी और दीदी का फैसला पार्टी का फैसला हम लोगों को मानना पड़ेगा। बिल्कुल खुश है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि हम शकल देख करके नहीं बल्कि काम देख करके मेयर चुनते हैं। और बॉबी हकीम उनका नाम है जिन्होंने पैंडेमिक के वक्त, कोरोना महामारी के वक्त पूरे कलकत्ता शहर में घूम घूम कर जिस तरह से वैक्सीन का प्रोग्राम हो या समाज से जुड़ी हुई तमाम ऐसी सुविधाएं हो, चाहे वो पानी का हो, सफाई का माध्यम हो, हेल्थ सेंटर के माध्यम हो, तमाम कामों को फिराद हकीम ने किया है। ममता बनर्जी के आइडियल मॉडल को बना करके बॉबी हकीम ने काम किया है। मालूम होगा जब फिराद हकीम का नाम हमारे दल के प्रेसिडेंट श्री सुब्रतो बख्शी ने ऐलान किया कि दल के तरफ से हम लोग बॉबी हकीम का नाम को आगे कर रहे हैं, सारे काउंसिलर उठ करके झूमने लगे। यही झुमाई था काम का, उन्नयन का। और एक ऐसा झुमाई ममता बनर्जी हमारी नेत्री ने भी देखा कि ममता बनर्जी का जो फैसला होता है वो हमारे पब्लिक के लिए होता है। बॉबी हकीम को मेयर बनाया गया है, पब्लिक के लिए बनाया गया है। बॉबी हकीम काम करने वाले लोग हैं। आज जो लोग बोल रहे थे, ये बीजेपी के कुछ लोग थे, ISF के कुछ लोग थे, जो लोग बोल रहे थे उन लोगों का खा पी करके कुछ काम नहीं है, समाज से उनका कोई वास्ता नहीं है, उन्नयन का ठीक से उनको यूँ नहीं पता, उनके बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। फिराद हकीम जिस तरह से अपने कार्यकाल में कोरोना के वक्त काम किए हैं, ममता बनर्जी ने उनके काम को सराहा है और उनको कलकत्ता को एक मॉडल कलकत्ता बनाने के लिए उनके हाथ में सौंपा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि फिराद हकीम इसमें खड़े उतरेंगे और ममता बनर्जी के एक नंबर सोल्जर है फिराद हकीम। और इस बार उन्होंने ये भी सबूत दिया है कि जिस दिन आज जब शपथ हो रहा था, शपथ लेते ही बोले कि बोलने के लिए अब कुछ नहीं है, अब करने का वक्त है, आज से ही हमारा करने का वक्त है। ये है फिराद हकीम, जिनको भाषण नहीं काम चाहिए, उन्नयन चाहिए, उन्नति चाहिए। और उन्नयन उन्नति हमारे इस फिराद हकीम के मेयरशिप में पूरे कलकत्ता का होगा, 144 वार्डों का होगा। हमारी नेत्री ममता बनर्जी यहाँ पर हमारे चचा देखिए, यहाँ से कैसा खेला हुआ देखिए, यहाँ से ऐसा खेला हुआ है कि मोदी जी परेशान हो गए हैं, परेशान होकर के सोचने लगे हैं और सोच करके सीधा कॉल कर दिया फिराद हकीम को। हाँ। आ करके बोले हैं कि बॉबी हकीम तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ममता बनर्जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये चित्र से हमारे चचा दिखाना चाह रहे हैं कि जिस तरह से रोल मॉडल कलकत्ता को बनाना है, ममता बनर्जी का जो सपना है वो सपना को पूरा करने का नाम फिराद हकीम का है। और रही बैनर की बात, ये जो आप बैनर देख रहे हैं इससे बड़े बड़े और बैनर भी लगेंगे, क्योंकि आज उनका शपथ लेने का दिन है जिनका इंतज़ार पूरे हमारे कलकत्ता में रहने वाले तमाम लोग कर रहे थे, बंगाल में रहने वाले तमाम लोग कर रहे थे। उनके लिए बैनर क्या है, आज सुबह से देखिए हमारी बहनें इन्हें इसको दिखाइए अच्छा से, चचा को भी दिखाइए, ये मैसेज को जाना चाहिए। आपके हालात बंगाल न्यूज़ चेक के माध्यम से जो सच्चाई दिखाते हैं आपका सच्चाई लोगों तक और पहुंचना चाहिए। फिराद हकीम के कामों को पहुंचाइए, ममता बनर्जी के आदर्श को मानते हुए फिराद हकीम जिस तरह से काम कर रहे हैं, आने वाले 5 सालों में पूरे कलकत्ता को एक मॉडल कलकत्ता बना दिया जाएगा, यही फिराद हकीम साहब ने आज कहा है। और फिराद हकीम साहब ने आज ये भी कहा है कि अब बात करने का समय नहीं है, सिर्फ काम करना है, काम करना है, काम करना है। ममता बनर्जी के आदर्श में पूरा काम होगा। और हमारी देखिए यहाँ पर ही जो जनरल पब्लिक है, सिर्फ पार्टी करने वाले या हम राजनीति करने वाले लोग नहीं है, बल्कि आम पब्लिक इतने खुश हैं कि सुबह से आज यहाँ कॉरपोरेशन की बिल्डिंग के सामने भीड़ लगा हुआ है। आप देखिए खचाखच भीड़ लगा हुआ है लोगों का, कि एक उम्मा है कि भाई फिराद हकीम को हम लोग विश करेंगे। और जो उम्मीद हम लोगों को है फिराद हकीम के कामों से, ममता बनर्जी के आदर्श को मानते हुए पूरे कलकत्ता में एक उन्नति का काम आएगा, उन्नति का लहर आएगा, वो लहर आज से ही शुरू हो गया है। बहुत खुश है हम लोगों के लिए, हक में आज फिराद हकीम को मेयर बनाया गया है। उन लोगों ने हमारे लिए बहुत डेवलपमेंट का काम किया है कलकत्ता में,
और हम लोग बहुत खुश हैं आज हम लोग उनके यहाँ को मजबूत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। क्या बोलेंगी आप? जी मैं भी बहुत खुश हूँ कि वो मेयर बने और वो बहुत हम लोग की सुनते हैं करते हैं और उनके ही वजह से हम लोग का कलकत्ता बहुत हम लोग का एरिया बहुत डेवलप्ड हुआ है और बस मैं बहुत खुश हूँ कि वो बने। हम बहुत खुश हैं, हमें इसी दिन का वी वॉज वेटिंग फॉर दिस डे एंड फाइनली बॉबी हकीम मेयर बन चुका है और वी ऑल लव यू बॉबी दा, वी ऑल लव यू बॉबी हकीम। तो ये बैनर किसने बनाया? ये बैनर हमारे कॉलेज की तरफ से बनाया गया है। देशबंधु कॉलेज फॉर गर्ल्स। खुश है? हाँ बहुत सारा खुश है क्योंकि हम उनका जो घर है वहीं से आई है तो कॉलेज की भी आई है तो अच्छा लग रहा है कि वो बॉबी सर जो है वो बहुत अच्छा काम करेगी मेयर होने के बाद और अच्छी भी एक्सपीरियंस है इसलिए उन लोगों को चूज किया गया है। हम लोग शहबाज भाई के साथ आए हुए हैं तो शहबाज भाई सबको बोल दिए थे कि कल रात में 11:30 बजे कि सबको आना है, सर दादा का जो मेयर का शपथ है और उनके साथ में जितना चेयरमैन पर्सन है सबका शपथ है तो आए हम लोग सब दादा को सेलिब्रेट भी कॉन्ग्रेचुलेशन भी देने के लिए और सर का हम ये फोटो इसलिए बनाए, ये बहुत काम भी किया और बहुत हम लोग के लिए बहुत भी कुछ किए। मेरा दीदी को नौकरी भी दिए हैं यहाँ पे सॉल्ट लेक में और उसके बाद हाल ही फिलहाल में 4-5 दिन पहले एक लड़का एक एक्सीडेंट हो गया था उसका हाथ कट गया। सर बोल दिए हैं कि तुम जाओ, टेंशन लेने की दरकार नहीं, जो पैसा लगा कलकत्ता इलाज में कलकत्ता हॉस्पिटल में सब इलाज हम करवाएंगे। इसी के लिए हम लोग सब यहाँ पे आए हुए और बॉबी सर हम लोग प्यार करते हैं, आई लव यू बॉबी सर। हम लोग इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि उनको फिर से मेयर बनाया जाए और हम लोग ये खुशी सेलिब्रेट करें। जिस तरह उन्होंने काम किया है, जितना डेवलपमेंट किया शायद ही किसी ने किया होगा, तो ये पोजीशन सिर्फ वही डिजर्व करते हैं, उनको ही देना चाहिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार सिर्फ ये पोजीशन सिर्फ उनको ही देना चाहिए। जिंदाबाद।